औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नगर परिषद बद्दी द्वारा साईं मार्ग पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने से गुस्साए दुकानदारों ने इकट्ठे होकर कार्रवाई कर रहे कर्मचारियों को घेर लिया। इस मौके पर गुस्साए दुकानदारों ने नगर परिषद बद्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए और चक्का जाम कर दिया। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नगर परिषद बद्दी द्वारा साई मार्ग पर दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने पर दुकानदारों ने हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही डीएसपी बद्दी अजय कुमार भी मौके पर पहुंचे। वहीं नगर परिषद बद्दी के अधिकारियों द्वारा लोगों को समझाया गया कि ये कार्रवाई नगर परिषद को बार बार मिल रही शिकायतों के आधार पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार एक शिकायत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी दी गई, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार ने नगर परिषद को अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए पहले कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि दुकानदारों की गैर मौजूदगी में दुकानों में कार्य कर रहे लड़के और लड़कियों को डरा धमका कर सामान उठाकर नगर परिषद ने गाड़ियों में भर लिया। दुकानदारों ने कहा कि नगर परिषद अपनी तरफ से सभी दुकानों के बाहर निशानदेही कर दें, अगर उसके पश्चात भी कोई दुकानदार अतिक्रमणकर्ता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह से बिना किसी नोटिस के दुकानदारों को परेशान ना किया जाए। बद्दी नगर परिषद के चेयरमैन नरेंद्र दीपा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नगर परिषद बद्दी को दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर नगर परिषद बद्दी दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार अतिक्रमण करने से बाज नहीं आए तो आने वाले समय में नगर परिषद सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। पहले तो रेडी फेडी वालों की कम्प्लेंट थी सीएम साहब के पास, जो दुकानदारों ने शटरों के बाहर सामान रखा हुआ, अपने शेड बनाए हुए हैं, तो उसके लिए सीएम साहब के पास कम्प्लेंट थी, तो उसके ऊपर आज हमने कार्रवाई की है। तो मैं तो कहीं और मीटिंग में बिजी था, मेरे को जैसे ही हमारे जो ईओ है या पुलिस प्रशासन साथ था और जेई था, यहाँ लोगों ने उनके साथ घेराव किया है, तो ईओ जो नगर परिषद बद्दी है वो अभी इन लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। हम इनके ऊपर FIR भी लॉन्च करवाएंगे, क्योंकि हम कोई ऐसे राजनीतिक स्टंट नहीं कोई कर रहे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कंप्लेंट थी तो उसी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई भी मकान मालिक जैसे दुकान का किराया ले रहा है, वो दुकान के अंदर ही अपने दुकानदारों को बोले कि दुकान के अंदर ही अपना सामान रखे, ना कि वो रोड पे रखे। जो भी लोग पैदल चल रहे हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही है, और काफ़ी कंप्लेंटें हमारे पास भी आ रही हैं और डायरेक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर जी के पास भी गई हैं, तो उन्हीं के पास से हमारे को लेटर भी आया है। एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ, बहुत एक्सीडेंट भी हुए, जैसे अभी हमने इसीलिए जो बद्दी में साई रोड है वो तय बाजारी में हमने मुक्त किया हुआ है, क्योंकि हमने जैसे पिछले साल टेंडर हुआ था वो तय बाजारी में था, पर्ची काट रहे थे पिछले साल, इस बार हमने जो साई रोड है वो कोई भी रेडी फड़ी नहीं लगेगी और ना ही हम इसकी कलेक्शन कर रहे हैं। जो भी कोई कलेक्शन कर रहा है उसके खिलाफ हमारे को नगर परिषद में कोई लेटर दीजिए, हम उस पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कौन सा किसी की बिल्डिंग गिरा रहे हैं, नोटिस तो उसकी गिरा होता है। हम तो बेंच जो पड़े रास्ता क्लियर कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।